हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं घाटमपुर में और घाटमपुर में माँ कुष्मांडा देवी के मंदिर पे आए हुए हैं। यहाँ पे अभी एक नया बोर्ड भी लग गया है उत्तर प्रदेश टूरिज्म का और ये पुराना वाला गेट है जो कि आप देख ही सकते हो। तो आज की इस वीडियो में जो है हम आप लोगों को कुष्मांडा देवी के दर्शन कराने वाले हैं। सुबह सुबह हम निकले थे ट्रिप पे, हमने सोचा चलो माता के दर्शन कर लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चतुर्दशक पीठ जो कि घाटमपुर में स्थित है तो यहीं पे हम आए हुए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो है घाटमपुर में कुष्मांडा देवी के जो है दर्शन कराऊंगा। और चलो चलते हैं मंदिर पे और मंदिर परिसर पूरा दिखाते हैं किस तरह से पूरा मंदिर है। काफी पुराना और पौराणिक जो मंदिर है, 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी के बीच में बना यह मंदिर, काफी पुराना है। और अभी चल के आप लोगों को पूरा विजिट कराएंगे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो चलो चलते हैं अंदर और आप लोगों को दर्शन कराते हैं चल के। अभी हम फिलहाल मंदिर परिसर पे आ चुके हैं। कुछ इस तरह से एंट्री गेट है यहाँ पे और अभी नवरात्र थे जैसा कि, तो काफ़ी सजावट वगैरह थी। लेकिन अभी जो है सुबह सुबह हम आए हुए हैं तो काफ़ी सुनसान सा माहौल है। कुछ भक्त लोग जो है वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं। ये देख सकते हो कि लोग जो है दर्शन करके आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये अगर नज़र डालो तो ये जो है यहाँ पे पुराने मंदिर का जो अवशेष वगैरह थे उनकी भी मरम्मत हो चुकी है। बाकायदा जो है उनको संरक्षण के तौर पर जो है संरक्षित करके रखा गया है। ये अगर आप देखो तो ये जो है कुछ पुराना लुक आप लोगों को दिखाई दे ही रहा होगा, लेकिन इनको जो है संरक्षित किया गया है। और सामने एक जो है पुराना वाला गेट, जो सबसे पुराना गेट था, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो आप जो है कुछ इस तरह से जो है ये पुराने वो थे जगह जहाँ पे मंदिर बना हुआ था और उनको भी अभी तक जो है संरक्षित करके रखा गया है। हाँ, ये है कि टाइल्स वगैरह लगा दिया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो है अभी हम प्रांगण में आ चुके हैं मेन मंदिर के। और कुछ इस तरह से ये जो है यहाँ पर दक्षिणमुखी हनुमान जी की मूर्ति भी है। और कुछ इस तरह से अभी मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और काफ़ी अच्छा और काफ़ी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। फिलहाल अभी हम चल के आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और इसे कुढ़ा देवी मंदिर भी कहते हैं क्योंकि कुढ़ा नामक व्यक्ति ने ही पहले यह मंदिर देखा था, तो इसे कुढ़ा देवी मंदिर भी कहते हैं। और तो चलो चलते हैं और आप लोगों को चल के पिंडी के दर्शन कराते हैं। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो बड़ा सा घंटा लगा हुआ है और कुछ इस तरह से जो है सामने बहुत सारे लोग जो है पूजा करने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात इस मंदिर की यह है कि यहाँ पर कोई भी आप लोगों को पुजारी देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई भी पंडित वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है माली समाज के जो लोग हैं जो फूल वगैरह बेचते हैं वहीं आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये अगर आप देखो तो काफ़ी सारे लोग दर्शन कर रहे हैं, तो चल के यहाँ पे जो है दर्शन कर लेते हैं माता के लेटे हुए पिंडी स्वरूप को। और ये अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से यहाँ का पूरा व्यू है, काफ़ी सारे लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। और ये अगर आप देखो तो ये है माता का लेटा हुआ स्वरूप पिंडी रूप में जो है यहाँ पर स्थापित है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर अगर आप देखो तो ये देखने को ये मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप आते हो तो सुबह अगर जल्दी आओगे तो गेट खुला रहेगा तो आप लोग जो है ऐसे ही दर्शन कर पाओगे, नहीं तो फिर दिन में इतनी भीड़ रहती है कि दर्शन करने में दिक्कत होगी। तो ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो तो सुबह सुबह 6 बजे की वजह से अभी हम लोगों ने यहाँ पर दर्शन कर लिया है। यहाँ पे मंदिर का जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हो, इसका जो निर्माण है वो 1890 में चंदीदीन भुर्जी ने करवाया था। बताया जाता है कि 1888 से ही मंदिर में एक अठगन ज्योत जो है वो प्रज्वलित हो रही है। तो ये कुछ इस तरह से था यहाँ का मंदिर जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और ये मंदिर का जो है टाइल्स वगैरह लग गया है, इसलिए जो है इसका जो है पुराना जो हिस्सा है वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे जो है बने हुए हैं इससे कुछ बहुत दिखते हैं पुराने वाले हिस्से जो है वो मंदिर के। तो यहाँ पे ये मूर्तियाँ वगैरह हैं, लोग प्रसाद वगैरह चढ़ा जाते हैं उसकी वजह से सही से नहीं दिख रही हैं। इधर पे देख सकते हो मूर्तियाँ वगैरह बनी हुई है। और ये जो मूर्तियाँ हैं वो इनका जो मंदिर का जो पुराना हिस्सा है जो कि आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे मंदिर जहाँ पे मंदिर के बाहर बहुत सारी मूर्तियाँ जो है वो उकेरी हुई होती थी। तो ये कुछ इस तरह से अभी हम आ चुके हैं उस हिस्से में जो कि आप लोगों को पुराना वैसे का वैसा दिख रहा है। बस इसका जो है कुछ स्वरूप थोड़ा सुधार लिया गया है ताकि जो है ये जो सारी चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। इनमें जो है टाइल्स वगैरह लगा दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो कुछ हिस्सा है वो बिल्कुल अभी वैसे का वैसा पुराना का पुराना ईंटों का ही दिख रहा होगा। हाँ, ये है कि थोड़ा जो है इसकी देख रेख हो रही है तो इसलिए जो है अभी खंडर रूप में परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए जो सारे पुराने हिस्से वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो है इनको संरक्षित करके रखा गया है।
अभी यहाँ से हम चले तो पीछे एक बहुत बड़ा तालाब देखने के लिए मिलता है। ये अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से है तालाब, हालांकि ये अभी कुछ सूखा हुआ दिख रहा होगा, इसमें पानी बहुत ही कम है, लेकिन जो है नवरात्र के समय इसमें पानी आप लोगों को देखने के लिए अच्छा खासा मिलेगा। साथ में यहाँ पे कमल के फूल भी काफी भारी मात्रा में देखने के लिए मिलते हैं। फिलहाल अभी तो इसकी जो है हालत सूखी हुई देखने को लिए आप लोगों को मिल रही है, थोड़ा कचरा वगैरह भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भी एक तालाब है जो कि सूखा हुआ है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे भी एक मंदिर बना है, और ये है मेन गर्भगृह जो कि आपको मैंने अभी चल के दिखाया था। और अभी चलते हैं यज्ञशाला की तरफ। अभी हम यज्ञशाला में आ चुके हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से यज्ञशाला यहाँ पे बनी हुई है। सामने जो है यज्ञशाला का प्रांगण है, चलो मैं चल के पास से दिखा देता हूँ किस तरह से जो है वो बना हुआ है। और काफ़ी जो है अभी खूबसूरत मंदिर दिख रहा है, क्योंकि पेंटिंग वगैरह जो है अभी हुई थी शारदीय नवरात्र में। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे है यज्ञशाला, और इसी के जस्ट पास में बनी हुई है एक बहुत ही बड़ी शिवलिंग जो मैं आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। तो ये देखो, ये था यज्ञशाला और इसी के जस्ट सामने बनी हुई है शिवलिंग जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर भी आकर लोग वगैरह जो है फोटो वगैरह खिंचाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है शिवलिंग अभी एक साल से ही बनी हुई है। और कुछ इस तरह से जो है यज्ञशाला में काफ़ी सारे फूल पौधे और सारे कुछ लगे हुए हैं, फूल के पौधे वगैरह और सारे कुछ लगे हुए हैं। ये कुछ इस तरह से यज्ञशाला का प्रांगण वगैरह जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भारत में सिर्फ मात्र एक मंदिर है कुष्मांडा देवी का, यहाँ पे घाटमपुर में, और यहाँ पे उनका जो है स्वरूप पिंडी रूप में स्थित है, और लेटा हुआ स्वरूप जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, दो मुखी स्वरूप है, जैसे कि मैंने आप लोगों को चल के दर्शन भी करा दिया था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ कि नवरात्र के चौथे दिन पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि चौथा दिन जो है वो माता कुष्मांडा को समर्पित रहता है। तो अगर आप आते हो तो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहेगी, शायद आप लोगों को दर्शन करने के लिए घंटों या दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे भी लाइन में लगना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो है बहुत सारी भीड़ होती है, फिलहाल सुबह की वजह से आप लोगों को भीड़ नहीं दिख रही है। यहाँ पे जो है लोग हजारों की संख्या में डेली प्रतिदिन आते रहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से था, यहाँ पे माता कुष्मांडा देवी के मंदिर पे आए हुए थे, हमने सोचा चलो आप लोगों को दिखा देते हैं किस तरह से ये पूरा जो है मंदिर है और क्या क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। हालांकि वीडियो देखकर आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम जो है मंदिर से घूम कर आ चुके हैं कुछ इस तरह से, और धीरे धीरे जो है भीड़ लगातार बढ़ती चली जा रही है। वीडियो आप लोगों को देखकर कैसा लगा है, मैंने जो है ज्यादातर आप लोगों को देख के मतलब कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को दिखा दूं। फिलहाल ये मंदिर है माता कुष्मांडा देवी का जो है चौथे दिन यहाँ पे पूजा होती है, क्योंकि ये जो है चतुर्थ शक्तिपीठ है और नौ शक्तिपीठों में से जो मेन नौ शक्तिपीठ है उनमें से जो है चौथे नंबर पे इसको जो है जाना जाता है। तो यहाँ पे आए हुए थे तो यहाँ का मैंने सोचा आप लोगों को दिखाना चाहिए, क्योंकि इधर से मैं निकल के जा रहा था दूसरी जगह पे, तो सोचा यहाँ पे अगर आए हुए हैं तो दर्शन करते हुए चलते हैं और आप लोगों को भी दर्शन करा देते हैं। वीडियो आप लोगों को देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। मिलते जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिए।